बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी आर्ट एंड होम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज से हम इस्लाहे कल्ब सीरीज का आगाज कर रहे हैं। ये अंदर हम जिंदगी के मुख्तलिफ मौजूआत से मुतल्लिक बातचीत करेंगे और आज का जो सबसे पहला मौजू है वो है सब्र और उसकी फजीलत। सब्र और उसकी फजीलत से मुतल्लिक एक जामिया पैगाम आपके लिए तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पैगाम से जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई मुयस्सर आएगी। दुआ में याद रखिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। कुरान पाक में बारहा सब्र करने की तलकीन आई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह असर में आता है। तर्जुमा, ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल किए और लोगों को हक और सब्र की तलकीन करते रहे। तो आखिर सब्र है क्या? सब्र के मानी है ख़ुद को रोकना, बर्दाश्त करना, सख्त मुश्किल या परेशानी आने पर भी अपने मकसद से पीछे ना हटना और कोशिश किए जाना, मायूस ना होना, अपने रब की रज़ा में राज़ी रहना। ये वो जज्बा है जो इंसान को जीने का सही तरीका सिखाता है। इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता। सब अमीर हो जाएं या सब गरीब, तो दुनिया का निज़ाम कैसे चले? तो किसी को वो ज़्यादा देकर आज़माता है और किसी को कम। तो इस्लाम हमें हर हाल में सब्र करना सिखाता है। ये दुनिया एक इम्तहान है जिसके कुछ सवाल आसान और कुछ बहुत मुश्किल होते हैं। तो जब भी कोई मुश्किल सवाल आए, यानी कोई भी आजमाइश आए, ख्वाह वो किसी भी सूरत में ही क्यों ना हो, उस पर गिला ना करना, खामोश रहना, बर्दाश्त करना, यही तो सब्र है। और सब्र के साथ हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र करना कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी रज़ा में राज़ी, बेशक तू सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। कभी किसी मुश्किल आने पे मायूस ना हो, बल्कि सब्र के साथ ये सोचें कि आप वो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश के काबिल समझा। बेशक वो अपने नेक बंदों को ही आजमाता है और वो ख़ुद कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे नफ्स, माल और औलाद से आजमाएंगे। तो हमें इस दुनिया के इम्तहान को सब्र शुक्र के साथ पास करना है और बेशक इसका बहुत अजर है। और बेशक बीमारी और आजमाइश अल्लाह ही की तरफ से है और इसकी शफा भी सिर्फ उसी के पास है। इसलिए जब भी कोई मुसीबत आए या कोई परेशानी आए तो सब्र करें और पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अपने रब की तरफ से आए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सही बुखारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी इंसान को कोई बीमारी या किसी भी किस्म की किसी चीज़ की वजह से तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह उसके गुनाह ऐसे ही गिरा देता है जैसे दरख्त के पत्ते गिर जाते हैं, बशर्ते कि वो इंसान सब्र करे। यानी सब्र करने पर इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे किसी दरख्त पे सूखे पत्ते झड़ जाएं। बीमारी, रंज, गम और हर किस्म की तकलीफ़ में सब्र करने का खुदा ने इंसान से उसके गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। कितनी प्यारी बात है, सुभान अल्लाह, कि तकलीफ़ आने पे सब्र करने पे भी हमारा ही फ़ायदा है। आप गिर गए हैं, ठोकर लगी है, ज़िंदगी ने बहुत ज़ोर से झंझोड़ा है, कोई बात नहीं, सब्र और शुक्र का हाथ थाम के दोबारा खड़े हों। दोबारा खड़े होने का हौसला भी वही खुदा देता है। ऐ खुदा के बंदों, उसे पुकार के तो देखो वो कैसे तुम्हारे हर ज़ख़म पर मरहम लगाता है, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी की मुसीबत ख़त्म करता है, कैसे तुम्हें कामयाब करता है। वो तो ख़ुद कहता है, ऐ मेरे बंदे, मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार का जवाब दूंगा। वो सब कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। अक्सर औकात वो चीज़ें जो हमें बहुत पसंद होती हैं यह हमें चाहिए होती हैं, वो हमारे हक़ में ठीक नहीं होती, तो अल्लाह ताला वो हमें नहीं देता या उन चीज़ों को हमसे दूर कर देता है। इस बात पे यकीन जब इंसान को आ जाए तो सब्र के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो जो हुआ वो आपके हक़ में बेहतर था, बेशक अल्लाह से बेहतर
کون جانتا ہے کہ انسان کے حق میں بہترین کیا ہے. سو ہیو پیشنس ایون ان دا ہارڈسٹ ٹائمس اینڈ تھینک اللہ فار ہی ہیز سیوڈ یو فرام مچ ورس اینڈ ہیز پلانڈ فار یو بیٹر دین یو ہیو ایور ڈیزائرڈ فار ہی نوز واٹس دا بیسٹ فار یو ان ڈیڈ ہی از دا بیسٹ پلانر. مے اللہ گرانٹ ہز پیس اینڈ پیشنس اینڈ میک اس امنگ دوز ہو آلویز پریز ہم. آمین. جزاک اللہ فار لسننگ.